Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. So guys, अभी बज रहे सुबह के 7:30 और आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैं भी जस्ट ही उठा हूँ. सो चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना. तो अभी आप लोगों को सामने का नज़ारा दिखाता हूँ. बहुत ही प्यारा दिख रहा है सामने. और ये आप मॉर्निंग का नज़ारा देख सकते हो मेरे घर के सामने का. अभी अभी जस्ट सन उगा है 1.5 घंटा पहले. एक्सपोजर लगा के भी दिखा देता हूँ सन को. तो गाइज, आज अपन को छिंदवाड़ा भी चलना है. सो अपन लोग जल्दी रेडी हो जाते हैं, नहा धो लेते हैं, ब्रश वगैरह कर लेते हैं, फटाफट फ्रेश हो जाते हैं और फिर चलते छिंदवाड़ा. तो आप लोगों को आगे का व्लॉग जरूर दिखाऊंगा, तो कंटिन्यू देखते रहना. बाबू बाबू बाबू, वैसे मुंह मत लगा, बोला ना, वैसे खाते नहीं, खाने की चीज है क्या? बोल बाबू बाबू. दा, 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 दा. चाचा बोल चाचा. चाचा बाम कहाँ पे है बता मुझे. बाम कहाँ पे है बता. बाम कौन सा है? हो स्टिकर खाएगा क्या? कुछ भी नहीं खा रहा है, एक्टिंग कर रहा है. तो मेरे को पता है एक्टिंग कर रहा है तो एक्टिंग. ला बाम दे मेरे को. ला कुछ है भी नहीं, एक्टिंग कर रहा है तो खाने का. ताकि हम रोके तुझे. भैया आप लोग देख सकते हो, अयान सभी सोया हुआ है और मुझे टुकुर टुकुर देख रहा है. ए क्या कर रहा है ये गद्दा नहीं खाती. ए इस मैं नहा के रेडी भी हो चुका हूँ और अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और मेरे को भी निकलना है छिंदवाड़ा के लिए. तो मैं भी यहाँ से पांडुरना के लिए पापा जी के साथ निकलूँगा और वहाँ से हमको गुड्डू भैया और मोहित हमको पांडुरना से बस स्टैंड से मिलेंगे, फिर हम वहाँ से चलेंगे. तो चलो चलते हैं. आप लोग इस व्लॉग को एंड तक देखना. तो गाइस अभी मैं जस्ट कॉलेज पहुँचा हूँ और तो गाइस हमको इस लेफ्ट वाले ऑफिस से हमको इस फीस की रिसिप्ट दिखा के आइडेंटिटी कार्ड लेना है. तो पहले आइडेंटिटी कार्ड ले लेते हैं और फिर देखते हैं क्या काम पड़ना है. तो गाइस अभी मैं आया हूँ यहाँ पर, देख सकते हो लाइब्रेरी, आपको उल्टा दिख रहा होगा. और ये मेरे हाथ में फाइल, मेरे को जमा करना है यहाँ पर, जमा नहीं करना फाइल और फिर हम चलेंगे इधर. तब तक अगर मैं मेन कैमरे से करूँ ना तब का मुँह बस आएगा. वाइड एंगल से करूँ तो देखो बहुत कुछ आ रहा है. तो गाइस हम अभी आए हैं मामा जी के क्लिनिक में जो कि चंदन गांव में स्थित है. मामा जी स्किन वाले डॉक्टर है. और तो भैया और मामा जी लोग अभी हॉस्पिटल के सामने जहाँ पे गड्ढा वगैरह उनको भरने का काम कर रहे हैं अभी, ताकि कोई मतलब चिकित्सक मतलब डॉक्टर के पास आए तो कोई गाड़ी खरीदने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वे अभी रास्ते को ठीक कर रहे हैं. तो मैं अभी आप लोगों को हॉस्पिटल के अंदर का नज़ारा दिखा देता हूँ किस तरीके का बना हुआ है. बाहर से आप लोग देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत छोटा सा हॉस्पिटल होगा, लेकिन जब आप अंदर जाते हो तो आपको अंदर पूरी फैसिलिटी मिल जाएंगी. तो मामा जी अभी बैठ के अपना कुछ वर्क कंप्लीट कर रहे हैं और हम यहाँ पर बैठे हैं.